आज के समय में नौकरी की जगह खुद का बिजनेस खड़ा करके भीड़ में अपनी अलग पहचान कौन नहीं बनाना चाहता है। अपना व्यापार शुरू करने का ख्याल जिंदगी में एक बार सबके मन में आता है। उन्हीं ख्यालों में से एक ख्याल अपनी गैस एजेंसी को शुरू करने का होता है। व्यापार में रुचि रखने वाले लोग इंटरनेट पर अक्सर हाउ टू स्टार्ट गैस एजेंसी इन इंडिया, हाउ टू बिकम LPG डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया, गैस एजेंसी खोलने का तरीका, गैस एजेंसी कैसे खोले आदि कीवर्ड डालकर ये जानने का प्रयास करते हैं कि भारत में कोई व्यक्ति अपनी खुद की गैस एजेंसी कैसे खोल सकता है और कैसे चला सकता है। आज की ये वीडियो उन युवाओं के लिए है जो अपनी खुद की गैस एजेंसी को शुरू करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। आज हम भारत में गैस एजेंसी को खोलने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि इसके लिए आपको कितना पैसा खर्च करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। खाना तो हर घर में बनता है। जहां पहले ग्रामीण भारत में लकड़ियों का ईंधन के तौर पर उपयोग में लाया जाता था, वहीं वर्तमान में लकड़ियों के धुएं से होने वाले नुकसान से सरकार ने विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम किया है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लोगों को गैस कनेक्शन के लिए प्रोत्साहित भी किया है। यही कारण है कि वर्तमान में ग्रामीण भारत में भी लोगों द्वारा LPG गैस का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता है। साधारणता जो इकाई या संस्थान लोगों के घर तक LPG गैस पहुंचाने का काम करते हैं उसे गैस एजेंसी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष पेट्रोलियम कंपनी ने एक विशेष एरिया में गैस वितरक के तौर पर नियुक्त किया हो, उसके कार्यालय अर्थात जहाँ से वह ऑपरेट करता है उसे गैस एजेंसी कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में LPG गैस डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस को गैस एजेंसी कहा जाता है। गैस एजेंसी कैसे शुरू करें? इंडिया में खुद की गैस एजेंसी शुरू करना कोई आसान काम बिल्कुल नहीं है। इस तरह के बिजनेस को शुरू करने में एक तो अच्छा खासा निवेश की आवश्यकता होती ही है, दूसरा इंडिया में LPG गैस डिस्ट्रीब्यूटर सिम लेने की प्रक्रिया बेहद जटिल होती है। फिर भी हम इस रिपोर्ट के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोई इच्छुक एवं समर्थ व्यक्ति अपनी गैस एजेंसी शुरू कर सकता है। सामान्यतः जब किसी पेट्रोलियम कंपनी द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में अपनी गैस एजेंसी खोलने की योजना बनाई जाती है तो पेट्रोलियम कंपनियां जैसे इंडियन, भारत, HP आदि द्वारा क्षेत्र विशेष के प्रसिद्ध अखबार या रेडियो चैनल एवं वेबसाइट पर उस संबंध में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है जिसमें सभी शर्तें, नियम, पात्रता मापदंड उल्लेखित होते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो अपनी गैस एजेंसी खोलने के इच्छुक हैं वे उपयुक्त दी गई कंपनियां इंडियन, भारत, HP पर नजर रखने के लिए LPG वितरक चयन नामक इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप के प्रकार। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेस कहाँ है, किस प्रकार का है, यह जानना बहुत जरूरी होता है। गैस एजेंसी खोलने का मतलब है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनने जा रहे हैं तो आपके लिए LPG डिस्ट्रीब्यूटर के प्रकार को जानना भी बहुत आवश्यक है। इससे आपको पता लगेगा कि आप कहां पर LPG गैस को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं और आपको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शहरी वितरक। इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के अंतर्गत वितरक द्वारा केवल शहरी क्षेत्र में ही LPG की सर्विस दी जाती है और इस तरह के वितरक द्वारा LPG गैस की डिलीवरी एक विशेष नगर पालिका के सीमा के अंतर्गत की जाती है। रूर्बन वितरक। रूर्बन नामक शब्द का अर्थ है रूरल, जिसका अर्थ है ग्रामीण, अर्बन जिसका अर्थ शहर होता है, से मिलकर बना है। इसमें वितरक शहरी क्षेत्र में मौजूद होता है लेकिन वह अपनी सर्विस ग्रामीण क्षेत्रों को भी प्रोवाइड कराता है। आमतौर पर इस श्रेणी के वितरक नगर पालिका सीमा से 15 किलोमीटर अंतर्गत आने वाले सभी गांव तक अपनी सर्विसेज मुहैया कराते हैं एवं संबंधित तेल मार्केटिंग कंपनी द्वारा निर्देशित किए हुए क्षेत्रों को भी कवर करते हैं। ग्रामीण वितरक। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित LPG वितरक को ग्रामीण वितरक कहा जाता है और इस वितरक का काम एक विशेष निर्देशक ग्रामीण क्षेत्र में LPG ग्राहकों को अपनी सेवा प्रदान करने का होता है। साधारण तौर पर इस श्रेणी के वितरक को अपने स्थान की सीमा से 15 किलोमीटर के भीतर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं लेकिन कभी कभी इनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का दायरा ज़्यादा भी हो जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत ऐसे LPG वितरक आते हैं जो कठिन एवं किसी विशेष क्षेत्र जैसे पहाड़ी क्षेत्र, जंगली क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, दुर्लभ आबादी से द्वीप, डिस्टर्ब एरिया, वामपंथी आतिवाद से प्रभावित क्षेत्र इत्यादि में अपनी सेवाएँ LPG ग्राहकों को प्रदान करते हैं। कहने का आशय यह है कि उपयुक्त बताए गए क्षेत्रों में LPG की सर्विस को देने वाले वितरक को ग्रामीण क्षेत्रीय वितरक कहा जाएगा। गैस एजेंसी लेने के लिए पात्रता एवं मानदंड। आवेदनकर्ता भारत का नागरिक एवं भारत का निवासी हो, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं तक की शिक्षा या उसके समकक्ष पास किया हो, स्वतंत्रता सेनानी की श्रेणी में संबंध रखने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यता के मापदंड में छूट है। विज्ञापन जारी की गई तिथि तक आवेदनकर्ता की उम्र 21 साल से कम और 60 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी के लिए किसी प्रकार की उम्र की सीमा निर्धारित नहीं है। आवेदनकर्ता किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी में कार्यरत कर्मचारी के परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए।
एक से अधिक डीलरशिप या वितरक मापदंडों को पूरा करना चाहिए। मिलावट या कदाचार के मामलों के चलते उनका समझौता ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने समाप्त कर दिया है, उनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। आवेदनकर्ता के पास एलपीजी सिलेंडर को स्टोरेज करने हेतु गोदाम बनाने के लिए अपनी जमीन पहले से तैयार गोदाम होना चाहिए। एलपीजी गैस एजेंसी संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं। एलपीजी वितरक यानी कि गैस एजेंसी लेने वाले उद्यमी को भंडारण के लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन PESO विस्फोटक विभाग के मुख्य नियंत्रक द्वारा विधिवत स्वीकृत और लाइसेंस प्राप्त स्टोरेज गोदाम की आवश्यकता होगी। इस गोदाम में अलग अलग वितरकों के लिए अलग अलग मात्रा में एलपीजी गैस भंडारित करने का प्रावधान किया गया है। शहरी और रूर्बन वितरक 8000 किलो एलपीजी सिलेंडर में भंडारित कर सकते हैं। ग्रामीण वितरक 5000 किलो एलपीजी सिलेंडर में भंडारित कर सकते हैं। दुर्गम वितरक क्षेत्र 3000 किलो एलपीजी सिलेंडर भंडारित कर सकते हैं। आवेदक के पास गोदाम स्थापित करने के लिए एक प्लाट होना चाहिए जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग वितरकों के आधार पर अलग अलग हो सकती है। शहरी और रूर्बन वितरक के रूप में आवेदन करने वाले आवेदक के पास 25x30 मीटर राज्य में प्रस्तापित स्थान की नगर पालिका या शहर या गांव सीमा से 15 किलोमीटर के भीतर या प्लॉट होना चाहिए। ग्रामीण वितरक के पास 21x26 मीटर विज्ञापित से 15 किलोमीटर के भीतर प्लॉट होना चाहिए। गोदाम के निर्माण के लिए जो भूमि चाहिए होती है वो लाइव ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन या टेलीफोन लाइनों से मुक्त होनी चाहिए। प्लांट से कोई नहर नाला इत्यादि नहीं गुजरना चाहिए। एलपीजी गोदाम के लिए प्रस्तावित भूमि के वाहनों की पहुंच आसानी से होनी चाहिए। विज्ञापित व्यक्ति स्थान पर गैस एजेंसी खोलने वाले उद्यमी को एक शोरूम या अपना कार्यालय भी बनाना होगा। गोदाम एवं शोरूम के अलावा एलपीजी गैस डिलीवरी करने के लिए उद्यमी को एक या एक से अधिक वाहनों की भी आवश्यकता होती है। आशा करता हूँ कि आप लोग गैस एजेंसी को अच्छी तरह से समझ गए हैं। अभी भी कोई डाउट रह गया हो या आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स के साथ साथ फेसबुक पेज पर भी दूंगा, तो आप पेज को फॉलो कर लीजिए। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गैस एजेंसी के लिए कैसे और कहां से आवेदन करना है। एलपीजी गैस एजेंसी लेने के लिए आवेदन कैसे करें। नॉन रिफंडेबल आवेदन शुल्क। एलपीजी वितरक बनने या गैस एजेंसी लेने के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान आवेदनकर्ता को नॉन रिफंडेबल आवेदक शुल्क का भुगतान करना होता है। ये अलग अलग श्रेणियों एवं वितरकों के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं, जिसका विवरण इस प्रकार से है। देश की 3 बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इंडियन, भारत, HP की LPG गैस एजेंसी हेतु आवेदन केवल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसे LPG वितरक चयन कहा जाता है के माध्यम से ही किया जा सकता है। कहने का आशय यह है कि सबसे पहले इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार को उपयुक्त ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा। उसके बाद उसे पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर होने के बाद व्यक्ति अपने क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके इस पोर्टल पर कभी भी लॉगिन कर सकता है। लॉगिन करने के बाद इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति को विज्ञापित का चुनाव करना होता है। उसके बाद लोकेशन का चुनाव करना होता है। इन सब के बाद आवेदन फॉर्म भर के ऑनलाइन सबमिट करना होता है और अंत में अपनी श्रेणी के अनुसार फीस भरकर उसका ऑनलाइन भुगतान भी करना होता है। आवेदन फॉर्म एवं आवेदक शुल्क जमा होने के बाद आवेदनकर्ता की ईमेल आईडी पर जमा आवेदन की प्रति PDF फॉर्मेट में भेज दी जाती है और गैस एजेंसी खोलने का इच्छुक व्यक्ति उसे सेव करके रख सकता है। पात्र आवेदनकर्ताओं से वितरक का चुनाव प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा ड्रॉप प्रक्रिया के बाद ही चुने हुए वितरकों को आगे की कार्रवाई के लिए आमंत्रित किया जाता है। गैस एजेंसी के लिए आवेदन अप्लाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें। नंबर 1, इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति जो LPG का वितरक बनना चाहता हो या गैस एजेंसी खोलना चाहता हो तो ऑनलाइन आवेदन करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान इच्छुक व्यक्ति एवं पात्र व्यक्ति को अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी पड़ सकती है, इसलिए उन्हें पहले से तैयार रखना चाहिए। ऑनलाइन प्रक्रिया में जनरेट हुई एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी को कहीं भी सबमिट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आवेदनकर्ता आधा भरे गए आवेदनों को सेव कर सकता है, लेकिन इस फॉर्म को अंतिम तिथि से पहले सबमिट करना होता है। गैस एजेंसी खोलने के लिए एक आवेदनकर्ता एक राज्य में अलग अलग लोकेशन के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे हर एक लोकेशन के लिए अलग अलग आवेदन फॉर्म अप्लाई करना होगा। एक गैस एजेंसी खोलने के लिए उद्यमी को 15 से 17 लाख रुपए तक गोदाम एवं कार्यालय के लिए एक दुकान की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए किसी समर्थ व्यक्ति को ही इसके लिए आवेदन करना चाहिए, और वह इसलिए भी क्योंकि इस प्रक्रिया में दिया जाने वाला आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल होता है। गैस एजेंसी आवश्यक सुविधाओं में से एक है, इसलिए भारत जैसे विशाल देश में व्यक्ति के लिए गैस एजेंसी को खोलना
कठिन हो सकता है, परंतु उससे लाभ कमाना उतना ही कठिन है। इस बिजनेस में कीमत तो सबके लिए एक समान रहती है, परंतु जिस गैस एजेंसी की सर्विस सबसे ज़्यादा फास्ट होगी वह अपनी ओर ग्राहकों को अधिक से अधिक आकर्षित कर सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अब जाने का समय हो गया है। ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। हम आपके हिस्से जुड़ी खबरों को आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।